रात का 11:30। तो ये बहुत ही स्पेशल प्लान है, फर्स्ट दिन में वहाँ पे गए थे, आज भी वहाँ जाएंगे, चलते हैं वहाँ पे। टू डेज ऑफ इंटेंस शूटिंग, मुझे एक शाम मिला है शॉपिंग करने के लिए। सॉरी, क्योंकि इतना ज़बरदस्त शूट था, शूट का टाइमिंग इतना लंबा था कि दो दिन में मुझे टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने के लिए, बट अभी एक ही शाम बचा है मेरे लिए। टुमोरो आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, तो जितना भी टाइम भी मुझे मिल रहा है, थोड़ा शॉपिंग करेंगे, थोड़ा जयपुर का मार्केट घूमेंगे। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मुझे और भी प्लान था जयपुर घूमने के लिए, लेकिन टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, उसमें जो कर पाएंगे आपको दिखाएंगे। चलिए जयपुर के गली में थोड़ा सा शॉपिंग करते हैं। और एक बात, मैं पहना हूँ पिंक, बिकॉज आई एम इन द पिंक सिटी, तो हर रंग में घुलना चाहिए। और ये जो टी शर्ट है, ये अपना भाई शाहरुख ये मुझे प्रिस्क्राइब किया, तो मैं लिया। और इस पिंक शहर में पिंक का मजा उठाएंगे। Of the great Hawa Mahal, and this is the actual shopping district, shopping capital of Jaipur. So if you want some Nagri shoes, if you want chunri, if you want all the authentic items of Jaipur, this is the place to be. Isme white bhi nahi aayega na, ek baar koshish kar, dekho check karo, this is something really different, huh? Aaiye dikhao. Chunri is a very famous out from Jaipur. So how is this? Really nice, huh? Chunri is Jaipur's special item. Very colorful. Shahrukh, bolo, kaun sa acha lag raha hai? Ye wala ki white wala? Dono le lo. Dono acha lag raha hai na? ये दोनों। तो शॉपिंग का फर्स्ट शुरू हो चुका है, फर्स्ट शॉपिंग इन जयपुर। ये वाला खुली बट सो कलरफुल नहीं, बहुत बहुत वो तो कर दीजिए। डन, यहाँ का हो चुका है। Item that I am going to buy is the Rajasthani Mojri, one of the most famous items of Rajasthan and of course in Jaipur. Let's go. So this is what I have selected and I'm loving it, just loving it. It's very nice. और इसको आप लाइक शादी कैजुअल वेयर कुछ भी, यू कैन गो आउट, यू कैन हैंग आउट वेयरिंग दिस, वेरी नाइस, वेरी कम्फर्टेबल। तो ये मैं हूँ सर, आपका नाम क्या है? रहमान भाई। रहमान भाई की दुकान से मैं लिया ये वाला मोजरी, बहुत ही कम्फर्टेबल है और बहुत सारा कलेक्शन है यहाँ पे, आप देख सकते हो। पूरा डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट साइजेस, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा पैर का जो साइज है इट्स 11, तो हर जगह नहीं मिलता ये साइज, पर यहाँ पे बड़ा, बहुत ही बड़ा है, एक्स्ट्रा बड़ा आदमी है ना। बड़ा या, तो बहुत ही मस्त साइज मिल गया और वेरी नाइस। तो आई वुड रिकमेंड दिस स्टोर, प्लीज डू कम, अगर आप जयपुर में हो तो यहाँ पे जरूर आना। स्टोर के बारे में डिस्क्रिप्शन में रहेगा।
सो एक सुपर फास्ट शॉपिंग के बाद मैं अभी हूँ अपने होटल के छत पे। शाहरुख भाई मेरा दोस्त का होटल है, उसके छत पे मैं हूँ और हम लोग का भी पार्टी चल रहा है। पार्टी सीन्स आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़ारा आपको दिखाते हैं, देखिए। तो दैट इज़ द जल महल। आई विल ट्राई टू जूम अ बिट। देयर यू कैन सी जल महल जल रहा है बिल्कुल। और थोड़ा राइट अगर मैं जाऊँ तो दिस इज द नाइट स्काई ऑफ जयपुर। दिस इज सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। इज द एंटायर सिटी यू कैन सी यहाँ से, एंड दिस इज द व्यू। लास्ट नाइट इन जयपुर, और क्या बात है, क्या रात है आज। तो आज है आखिरी रात इन जयपुर, और जैसे मैंने कहा था ब्लॉग की शुरुआत में जब मैं जयपुर आ रहा था कि ईद का जश्न होगा, तो मैं तो ईद के रात पहुंचा, तो उसके बाद काम के वजह से ठीक से पार्टी नहीं हुआ, ईद का पार्टी। तो ईद का पार्टी पोस्टपोन हुआ दो दिन बाद। तो आज मेरा आखिरी रात इन जयपुर, एंड हम लोग पार्टी कर रहे हैं। तो इस छत पर मैंने आपको दिखाया लोकेशन। तो पार्टी में मेन्यू क्या है, जो मेन्यू है, व्हाट इज़ द मेन्यू, लेट मी शो यू द मेन्यू। और मेन्यू के बारे में ये दोस्त लोग जो है आपको बताएंगे, बहुत ही खास मेन्यू है। चलते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ चल रहा है पार्टी हम लोग का, और यहाँ पे है समीर भाई, यहाँ पे है नईम भाई, और इधर है अपना दोस्त फरीब। तो नईम भाई आज का शेफ है। तो क्या पकड़ा नईम भाई, पहले दिखा देता हूँ वीडियो थोड़ा। अरे बाप रे, खतरनाक है ये जो पकड़ा है। तो थोड़ा बताइए आज का मेनू के बारे में। ये बन रहा है शाही मुगल स्टू। शाही मुगल स्टू, अच्छा। इसकी स्पेशलिटी है ये सिगड़ी पे बनता है, और धीमी आंच में बनता है। अच्छा। इससे क्या है, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, इसकी स्पेशलिटी है ये सिगड़ी पे बनाना। सिगड़ी में बन रहा है ना, धीरे धीरे बनता है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, और इसका थोड़ा बोलिए मसाला वसाला क्या है, थोड़ा लाइट है क्या, स्पाइसी है? बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल लाइटली, सो बिल्कुल खाने में बिल्कुल मजा आ जाएगा, ऐसा स्टू बनेगा। मस्त, इसका जो कलर है ना, देखो कलर फूट फूट के बाहर आ रहा है कलर, दिख रहा है ना, एकदम सही है। और इसको हम रोटी के साथ खा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तंदूरी रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ बिल्कुल। और इधर में है भाई, जिसके तरफ से आज का पार्टी है, उनसे मुलाकात करवाते हैं फिर से अपना शाहरुख भाई। पार्टी मेरी तरफ से, पार्टी तेरी तरफ से। जो खुशबू आ रहा है ना भाई, खुशबू अच्छा आ रहा है, पूरा पूरा आखिरी रात एकदम यादगार हो गया मेरा। जब तो आज आपके वजह से तो स्पेशली आया हूं। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। पूछो शाहरुख भाई से, नहीं तो मैं आपको बटन दिलवाता रहे थे, मैंने मना, मैं कहीं और जा रहा था। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? एक और फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड, वो भी बना रहे थे। अरे थैंक यू भाई। अच्छा, वो छोड़ के आप यहाँ पे आए हो? अरे थैंक यू। और यहाँ पे बन रहा है सैलड एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ। शाहरुख भाई ये कुछ अलग ही पार्टी है, थैंक यू फॉर सो मच फॉर दिस थिंग। हाँ, ये होता है ना, ये प्राइसलेस है ये पार्टी सच में। अब कलकत्ता आओ, फिर आपको दिखाते हैं। ऑलरेडी ये कलकत्ता आ चुका है एक बार, लेकिन फिर अभी जो भी मिला ना मुझे प्यार यहाँ का, ये कुछ अलग ही है। नईम भाई बिल्कुल, थैंक यू सो मच, ये मैं नहीं भूलने वाला हूँ सच में। आप भैया, आप हमें मिल गए, ये कम बात है, हमारे को भी ऐसा फ्रेंड मिलता है कोई? नहीं नहीं, वो कलकत्ता हो, हम तो एकदम आपको पार्टी कराए हैं कलकत्ता में सच में। शाही लजीज टू जो बन रहा है, उसके साथ हम लोग खाएंगे तंदूरी रोटी। ये रोटी भी बन रहा है, इसे कहते हैं असली पार्टी। समीर भाई, अरे लाजवाब है, लाजवाब। तो खाना पक चुका है, और शाही चिकन जो स्टू है, शाही मुगल स्टू, उसके साथ खाएंगे तंदूरी रोटी। और ये जो है ना, ये जो बना है माहौल, इसको कुछ अलग बात है। ये हाउस पार्टी का बात ही कुछ अलग है, ये ऐसा वो फाइव स्टार पब में नहीं बनता है। तो शुरू करते हैं खाना, सब शुरू करो, उसका टेस्ट करते हैं ऐसा हुआ। भाई आशीर्वाद दो आपका। क्या खिला दिया, अमेजिंग
एकदम अपना जो नॉर्मल चिकन स्टू है वैसा नहीं है, थोड़ा स्पाइसी है लेकिन सही है, ऐसा चाहिए। ये जो चिकन बहुत सॉफ्ट है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है बहुत ही सिंपल है, कोई भी घर में पका सकता है। सही है, नहीं मैं सही बोला? बिल्कुल। और प्याज बहुत मैं खाता हूँ, लड़का अच्छा है थोड़ा प्याज खाता है, ऐसा ही है। बस तो अभी खाना खाते हैं, वीडियो बंद करते हैं। इसके बाद भी थोड़ा हम लोग का प्रोग्राम बचा हुआ है आज रात का, तो मिलते हैं बहुत सून, वेरी सून। अभी टाइम हुआ है रात का 11:30, तो ये बहुत ही स्पेशल प्लान है। फर्स्ट दिन में वहाँ पे गए थे, आज भी वहाँ जाएंगे, चलते हैं वहाँ पे। वो स्पेशल वाली चाय आ चुका है, ये हम लोग फर्स्ट दिन पिए थे यहाँ पे। तो ऐसे वाला जो चाय का एक्सपीरियंस है वो मैं कोलकाता में बहुत बार कर चुका हूँ अपना बलवंत पे, रात को 1:30-2 बजे जाके चाय पीना, इसका अलग मज़ा है। लेकिन फर्स्ट टाइम जयपुर में दोस्त लोग के साथ ये जो एक्सपीरियंस है ये कुछ अलग ही है। यहाँ का चाय का जो स्पेशलिटी है बहुत डिफरेंट है। तो आज का ब्लॉग यहाँ एंड करते हैं, जयपुर का यही लास्ट ब्लॉग है। कम समय के लिए ब्लॉग बना पाया इसलिए सॉरी, लेकिन क्या कर सकते, ऐसे ही जीना है, ऐसे ही आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट टाइम जब जयपुर आएंगे और भी ब्लॉग बनाएंगे। अभी कल सुबह मेरा फ्लाइट है तो कोलकाता। थैंक यू ऑल, इतना अच्छा जो मेरा दिन गया, 4 दिन जो इतना अच्छा बीता यहाँ पे जयपुर में, यादगार पल था। तो मिलते हैं बहुत जल्दी कोलकाता में। और एक ही मंत्र है जीवन में, एक ही जिंदगी, जी लो अपनी जिंदगी। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। गुड नाइट। Good.